किया गया, जैसे कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन और रोलट एक्ट आंदोलन और जलियांवाला बाग, और उसके बाद में भी जो है असहयोग आंदोलन और जो है स्वराज पार्टी और जो है नेहरू रिपोर्ट। तो ये जो है 5-6 पॉइंट, ये कहें 5-6 टॉपिक जो है, एक टॉपिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के तहत सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो कांग्रेस की स्थापना है, जैसा कि आपकी मैंने टॉपिक दे रखा है, कांग्रेस का जन्म करके उन्होंने दे रखा है। तो कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि आप अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा, जिससे सारी चीजें क्लियर हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े थे, और उसमें काफी सारे जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था, चाहे जैसे राजा मोहन राय के बारे में देखा था और स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो इन सब के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया था। तो राष्ट्रीय जो जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमने देखा था कि जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चल रहे थे, तो उस दौरान जो है एक तरीके से जो पाश्चात्य जो सभ्यता थी और जो संस्कृति थी उससे पराजय होने का भाव, और एक तरीके से भारत को, भारतीय संस्कृति जो है उसको एक तरीके से इस जो ईसाई जो संस्कृति थी, या ये कहें कि जो जो लोग जो थे वो ईसाई धर्म को अपना रहे थे, तो एक तरीके से भारतीय जो धर्म और संस्कृति में सुधार की आवश्यकता जरूरत की हुई, और साथ ही उससे जो एक डर की भावना, ये कहें कि एक पराजित होने की भावना से भारतीय जो समाज एवं संस्कृति है के जो रूढ़िवादी तत्व थे और उनमें एक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, और वो ही जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर रहे। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि जो कुछ जो विचारक थे, जो जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, उन्होंने जो जो पाश्चात्य जो संस्कृति थी और जो विचार थे उनके जो तत्व थे जो मैंने आपको बताए थे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, इन सबको उन्होंने ग्रहण किया। तो और साथ में ही ये भी हम देख रहे हैं कि जो पाश्चात्य जो 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 संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके साथ साथ जो एक तरीके से जो है भारत में जो है अंग्रेजी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी प्रारंभ किया जाता है। हम देखते हैं कि 1830-20 के आसपास से ही, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही भारत में तो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की जाती है, और 1833 तक आते आते ये डिसाइड ही नहीं हो पाता है कि इसको कैसे खर्च किया जाए। तो आप लोगों ने जो है आंग्ल और पाश्च्य विवाद आपने पढ़ा होगा, आपके टॉपिक में था जो है थर्ड सेमेस्टर में, उसमें ये बताया था कि किन किन चीजों को शिक्षा के माध्यम को लेकर, और शिक्षा का जो है अध्ययन किस भाषा में होना चाहिए, और जो है किन किन विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए, इसको लेके विवाद की स्थिति रही। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था जो है वो पाश्चात्य और जो है विज्ञान और जो है दर्शन पढ़ाया जाने लगता है, और अंग्रेजी भाषा में जो है शिक्षा का एक माध्यम रहता है। तो इससे जो है, और साथ में ही देखते हैं कि जो जो बुद्धिजीवी लोग थे जो जो पाश्चात्य ज्ञान और संस्कृति को ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने जो भारत में जो ब्रिटेन जो शासन था, जो औपनिवेशिक शासन था, उसकी बुराइयों का भी एक तरीके से उन्होंने अन्वेषण प्रारंभ किया, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर हम देखें दादाभाई नौरोजी और जो रजनी पाम दत्त, इन्होंने जो ब्रिटिश औपनिवेशवाद था उसका आर्थिक विश्लेषण किया कि ये कैसे भारतीय का शोषण कर रहा है। तो उस दौरान बहुत सारी चीजें चल रही थी, एक तरफ जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, साथ में ही भारतीय में जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका उसका भी उदय उदय हो रहा था। उधर अगर हम देखें, इधर जो पत्र पत्रिकाएं हैं और जो शिक्षा का माध्यम है, जो शिक्षा व्यवस्था थी एक तरीके से, उससे भी भारतीय जो है धीरे धीरे अपने अधिकारों और अपने जो है एक तरीके से जो औपनिवेशिक शासन था उसकी बुराइयों से वो जान पा रहे थे कि कैसे भारतीयों का शोषण हो रहा है, और एक तरीके से राजनीतिक रूप से वो जो है एक तरीके से सक्रिय हो रहे थे, अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे थे। तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो एक लंबी सतत प्रक्रिया का परिणाम है। अगर हम देखें कि 1820 के दशक से हम लोग अगर शुरुआत करें राजा मोहन राय के समय से, तो राजा मोहन राय जो वो पहले ऐसे भारतीय ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने
राजनीतिक मांगों को व्यक्त किया। राजा मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जो राजनीतिक मांगे थी उनको व्यक्त किया। तो हम ये कह सकते हैं जो 1820 का जो दशक था उसमें राजनीतिक आंदोलन जो थे उसके बीज नहीं थे, मतलब राजनीतिक आंदोलन जो उस दशक में हमको एक तरीके से दिखाई देने लगते हैं। तो राजा मोहन राय द्वारा जो राजनीतिक सुधारों को लेकर प्रयास किया गया तो उनके द्वारा कुछ बेसिक जो मांगे होती हैं, एक एक नागरिक की जो बेसिक मांगे होती हैं उसके लिए उन्होंने जो है आवाज उठाई। अगर जैसे हम बात करें तो उनके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई, जो उस समय जो समाचार पत्र जो 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 समय प्रकाशित होते थे और जो लेख लिखे जाते थे उनकी स्वतंत्रता नहीं होती थी, तो ब्रिटिश सरकार ने जो उन पर भी रोक लगा रखी थी। तो जो राजा मोहन राय का विचार ये था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो लेखन की स्वतंत्रता है वो दी जाए। साथ में ही जो जो सिविल सेवा के पद थे अभी तक जो भारतीय नागरिक थे उनके लिए बंद थे, तो सिविल सेवा के जो पद हैं उसमें भारतीय लोगों को भी एंट्री दी जाए और उच्च पदों पर उनकी भी नियुक्ति की जाए। साथ में ही उस दौरान जो जो कंपनी का जो शासन था उस दौरान जो है जो न्यायिक पद और जो प्रशासनिक पद जो होता है वो एक ही व्यक्ति के पास होता था, एक ही व्यक्ति जो प्रशासन भी देखता था और न्याय भी करता था। तो ऐसी स्थिति में राजा मोहन राय के द्वारा ये मांग की गई कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए। तो अगर हम इसको देखें, ये व्यवस्था जो भारतीय संविधान के आर्टिकल हमको आर्टिकल 50 में भी हमको दिखाई देती है, जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की बात की गई हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो वो मांग तब की गई थी और भारतीय जब संविधान बना तब उसमें ये मांग जो है रखा गया। तो धीरे धीरे राजा मोहन राय के द्वारा ये सारी मांगे रखी गई, उनके द्वारा जो किसान हैं उनके लिए भी कहा गया कि किसान जो कंपनी ने जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है और इसके माध्यम से जो किसानों का जो शोषण हो रहा है, उन्होंने ये कहा कि जो लगान है उसको स्थायी रूप से कर दिया जाए कि किसानों को इतना ही लगान देना है। और साथ में ही जो कंपनी ने जो जो एक तरीके से खुले व्यापार की नीति अपनाई थी, भारत में बिना किसी आयात कर को देखे कंपनी का माल भारत में आ रहा था और भारत के जो उद्योग थे उनका एक तरीके से विनाश हो रहा था, उसको रोकने की उन्होंने मांग की। तो उन्होंने कुछ राजनीतिक मांगे जो है इस दौरान रखी। तो इन्हीं की मांगों को और साथ में ही एक और इनके जो अनुयायी थे इनके समय के ही थे, हेनरी विवियन डेरोजियो का आपने नाम सुना होगा, उनके विचार भी ऐसे ही थे। और ये इनके जो विचार थे वो ज्यादा उग्रवादी थे, उन्होंने जो एक तरीके से ज्यादा रेडिकल उनके विचार थे, ज्यादा उग्र उनके विचार थे। तो इन्हीं से एक तरीके से प्रेरणा लेते लेते हुए 1830 से 1850 के दशक की हम बात करें तो और जो आधुनिक एक तरीके से राजनीतिक जो संगठन होते हैं उनके उदय की शुरुआत होती है। तो हम देखें 1836 में राजा मोहन राय के जो साथी थे, जब हमने प्रार्थना समाज पढ़ा था तो उसमें उनके कुछ साथी थे, तो उनके द्वारा एक बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया था। तो ये एक तरीके से राजनीतिक एक सभा थी, बंग भाषा प्रकाशक सभा एक राजनीतिक संस्था थी, जो इसका उद्देश्य जो कंपनी के जो जो या ये कहें जो सरकारी क्रियाकलाप थे उनमें सुधार के लिए जो है सरकार को प्रार्थना पत्र भेजना था। विशेष रूप से अगर हम देखें तो 1838 में जो पहली सभा जो स्थापित हुई थी वो थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, मतलब जमींदारी एसोसिएशन। तो ये जो सभा स्थापित एक तरीके से जो एसोसिएशन जो स्थापित की गई थी, ये जो बंगाल में जो कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया था और द्वारकानाथ टैगोर जो थे उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। लेकिन जो ये जो संगठन जो स्थापित किया गया, जो एसोसिएशन स्थापित की गई थी, ये स्थानीय स्तर की थी, मतलब इसका जो स्वरूप था वो अखिल भारतीय स्तर का नहीं था, ये स्थानीय स्तर की थी। इसका नेतृत्व भी जो है वो क्षेत्रीय स्तर का था, जो विशेष रूप थे इसमें जमींदार लोग और जो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे, और ये कहें कि जो एक तरीके से आर्थिक जो गतिविधियां थी उनसे जुड़े हुए, अगर ये कहें कि जो शिक्षा जो बुद्धिजीवी लोग थे वो इससे जुड़े हुए थे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो नेतृत्व जो था वो परंपरा प्रकार का नेतृत्व था, मतलब इसमें बुद्धिजीवी कम लोग थे और जमींदार लोग ज्यादा थे, और इसके द्वारा जो जन सामान्य की जो मांगे थी उनको नहीं उठाएगा। बेसिकली जो जमींदार लोग जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे उनके अधिकारों के संरक्षण की बात इनके द्वारा की गई। लेकिन ये संस्था भी चूंकि ये सामान्य जनता के हित की बात नहीं करती थी, तो कुछ समय पश्चात जो है ये संस्था भी जो एक तरीके से ये मतलब आगे ज्यादा ये संस्था कामयाब नहीं हो पाई।
अब हम बात करते हैं 1850 से 60 के दशक की बात में अगर देखें तो 1857 का जो विद्रोह होता है और वो विफल हो जाता है। तो 1857 के विद्रोह में हमने देखा था उसके कारण जो उसकी विफलता का कारण हमने देखा था कि जो बुद्धिजीवी जो शिक्षित लोग थे वो उनके द्वारा जो 1857 के विद्रोह का एक तरीके से समर्थन नहीं किया गया था, उनके द्वारा जो है अंग्रेजी राज जो था उसी का समर्थन किया गया। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 में जो प्रशासनिक सुधार कंपनी के जो जो ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा जो सुधार किए गए तो उससे जो जो शिक्षित भारतीय थे और जो जो अंग्रेज थे उनके बीच में एक तरीके से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, उनके बीच में जो खाई थी जो वो और ज्यादा चौड़ी हो गई। और इसका कारण ये था कि जो भारतीय जो बुद्धिजीवी लोग थे, भारतीय जो 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 नव शिक्षित जो लोग थे जो पाश्चात्य ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो जो है जो जो भारत की जो राजनीति जो भारत की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी उसका उन्होंने अध्ययन किया और ये जाना कि ये जो भारत की में इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है और जो भारत का जो राजनीतिक विकास आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है वो उसका कारण अंग्रेज ही है। तो वो जो एक तरीके से जो जो ब्रिटिश जो शासन सरकार थी उसके धीरे धीरे आलोचक बन गए और अपनी जो उनकी जो गतिविधियां थी वो कैसे अपने असंतोष को व्यक्त करें, जो बुद्धिजीवी लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने असंतोष को कैसे व्यक्त करें तो उन्होंने राजनीतिक क्रियाकलापों के माध्यम से अपनी जो असंतोष को व्यक्त किया उन्होंने। लेकिन अभी भी जितने भी संगठन बन रहे थे वो सब छोटे स्तर के संगठन थे, मतलब एक कहीं कहें कि एक विशेष क्षेत्र में अगर हम बात करें बंगाल की बात करें तो बंगाल में कलकत्ता जैसे शहर में ही संगठन स्थापित थे, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी एक संस्थान की स्थापना हुई थी। लेकिन जो 1860 से लेकर 1880 तक का जो दशक है मतलब जो 20 साल का दशक है इस दौरान जो राजनीतिक जो गतिविधियां थी एक तरीके से उन्होंने जो है अखिल भारतीय रूप जो है उन्होंने ऑल इंडिया के स्तर पर अखिल भारतीय रूप उन्होंने ग्रहण करना शुरू कर दिया था और एक एक, एक अपेक्षाकृत बड़े आकार के जो राजनीतिक संगठन है उनका उदय होना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इंडियन लीग की बात करें 1875 में जो शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की जो कलकत्ता में स्थापित की गई थी और इनका जो मुख्य उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना और साथ में ही उनको जो राजनीतिक रूप से उनको प्रशिक्षित करना था। और अगर हम बात करें 1875 में ही कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी लेकिन बाद में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एस एन बैनर्जी का नाम आपने सुना होगा इनके द्वारा जो है इस संस्था जो संगठन था उसको भी ग्रहण किया गया था। और अगर हम बात करें अगर बंबई की बात करें महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी जो है वहां भी संस्थान स्थापित हुए थे, पूना सार्वजनिक सभा थी जिसमें एम जी रानाडे का नाम हमने आपको बताया था और जी बी जोशी उनके द्वारा जो है इस संस्था का गठन किया गया था। तो इसका जी एक तरीके से ये जो संस्था थी ये भी अखिल भारतीय नहीं थी और विशेष रूप से ये जो जो पूंजीपति लोग जो थे जो जमींदार लोग थे उनके की बात करती थी, किसान की बात नहीं करती थी। अगर हम मद्रास की बात करें तो मद्रास में भी इसी तरह की संस्थाएं स्थापित की गई थी, जो कांग्रेस की स्थापना से पहले हम बात करें तो वहां मद्रास महाजन सभा थी, एम बी राघवाचारी जी सुब्रम अय्यर और पी आनंद चारलू। तो ये प्रारंभिक जो लोग थे उनके द्वारा इस संस्था स्थापित की गई लेकिन एक अखिल भारतीय स्तर पर नहीं थी। और बंगाल में अपनी अपनी स्वतंत्र जो है संगठन स्थापित हुए, महाराष्ट्र जो अपने स्वतंत्र संगठन स्थापित हुए और साथ में अगर हम देखें मद्रास जो जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास जो प्रांत था वहां पर अपने अपने अलग अलग संगठन स्थापित हुए। लेकिन जो जितने भी संगठन स्थापित हुए थे ये सब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। तो लेकिन अगर हम अब देखें जितने भी संगठन स्थापित किए गए इनकी जो इनमें एक तरीके से किसी भी तरह का समन्वय नहीं था। तो जो 1870 का दशक था उसमें जो है एक तरीके से अखिल भारतीय स्तर का जो एक संगठन बनाने की दिशा में जो है प्रयास जो है शुरू होता है। लेकिन अभी तक जितने भी जो संस्थान जो स्थापित हुए हैं, जितने भी संगठन स्थापित हुए हैं वो स्थानीय ही थे और लेकिन उनकी जो मांगे थी वो है जो अखिल भारतीय रूप को ग्रहण कर रही थी और उनका जो राजनीतिक नेतृत्व वही था वो भी धीरे धीरे
जो है अखिल भारतीय होता जा रहा था, क्योंकि इस समय देखें हम राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी, साथ में ही जो है संचार के साधन भी बढ़ते जा रहे थे और पत्र पत्रिकाएं और जो जो है जो जो देशी भाषाओं में जो साहित्य का विकास हो रहा था, तो उसने जो जो जितने भी बुद्धिजीवी थे उनको एक तरीके से जुड़ने का साधन, एक तरीके से उनके बीच में जो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम प्रदान किया उनको। तो 1880 का दशक आता है तो और जो एक तरीके से अखिल भारतीय जो संगठन बनाने का जो कार्य एक तरीके से तेज हो जाता है और साथ में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी तेज हो जाती है। उसका कारण होता है कि हम देखते हैं जो लिटन लॉर्ड लिटन था वो एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था, तो उसने उस दौरान जो भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना का जो उदय हो रहा था उसको दबाने का प्रयत्न किया। तो उसके कुछ कुछ कार्य जैसे उसने जो सिविल सेवा की जो आयु थी उसको घटाकर उसने 19 वर्ष कर दिया, मतलब 19 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं वही सिविल सेवा में जा सकते हैं। उसके द्वारा इल्बर्ट विल विवाद की स्थिति उसके समय जो है सॉरी उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो प्रेस की आजादी होती है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसके द्वारा लाया गया और जो प्रेस की आजादी है उसको उसने सीमित कर दिया, जो कि उसका मानना था कि ये जो पत्र पत्रिकाएं जो समाचार पत्र जो प्रकाशित हो रहे हैं देशी भाषा में जो साहित्य प्रकाशित हो रहा है वो जो है राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दे रहा है। तो उसकी जो ये प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थी उससे राष्ट्रीय भावनाओं का तरीके से उदय होता है और राजनीतिक गतिविधियां जो है वो काफी जोर पकड़ने लगती हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात करी सुरेंद्रनाथ जो बैनर्जी थे उस दौरान वो बहुत सक्रिय थे और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा क्योंकि वो जो है जो जो सिविल जो सेवा थी इंपीरियल सिविल जो सेवा थी उसके वो सदस्य रह चुके थे और उनको जो है जब वो आसाम के कलेक्टर थे 1874 में उनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो उसके बाद में चूंकि उनके भी उनके अंदर भी एक असंतोष था तो उनके द्वारा जो है अपनी जो असंतोष को एक तरीके से राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से बाहर निकाला गया और उनके द्वारा जो अभी तक हमने देखा इंडियन लीग और जो है इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी 1875 और जो है 75 में, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा और आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1876 में। तो ये जो है जो संगठन था इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना से पहले हम इसको जो है जो एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन इसको मान सकते हैं, लेकिन ये भी जो है पूरे भारत का एक तरीके से जो जितने भी लोग थे भारत में जो बुद्धिजीवी लोग थे उनका प्रतिनिधित्व जो तो नहीं करता था। लेकिन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा 1883 में एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया और ये इसमें काफी हद तक जो है इसमें ये सफल भी हुए। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित किया गया इंडियन एसोसिएशन था। तो इनकी मांगे भी जो थी वो अखिल भारतीय स्तर की थी और इनके द्वारा जो है कुछ इस तरीके के प्रयास किए गए कि जो सिविल सेवा इनके द्वारा क्योंकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था तो इनके द्वारा जो है सिविल सेवा का आंदोलन चलाया गया और उसमें कहा गया कि जो आयु है उसको बढ़ाया जाए, जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था जो देशी भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उस पर प्रतिबंध लगाया था उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया और आर्म्स एक्ट लाया गया जिसमें भारतीय जो जो नागरिक थे उनको जो हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये कहा गया कि वो लाइसेंस के बिना जो है हथियार नहीं रख सकते हैं। तो इनके द्वारा एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाने का प्रयास किया गया। साथ में ही हम देखते हैं कि जो इन्होंने जो अखिल भारतीय स्तर पर एक जो 1883 में जो सम्मेलन बुलाया था वो उसमें भी काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन 1885 में बंबई में कुछ जो राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा ह्यूम जो जिनको एओ ह्यूम बोला जाता है उनके सहयोग से, क्योंकि ह्यूम भी जो थे जो ब्रिटिश जो सरकार थी उसमें एक सिविल सर्वेंट थे, तो उनकी सहायता से अखिल भारतीय राष्ट्रीय एक संगठन का निर्माण किया गया जिसको अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि इतने जो 1820 के दशक से जो राजनीतिक मांगों की जो शुरुआत हुई और इतने सारे संगठन का निर्माण हुआ जिसमें हमने लैंड होल्डर्स सोसाइटी मतलब जमींदारी एसोसिएशन से लेकर हमने बात की जिसमें दादा भाई नेहरू जी के द्वारा भी कुछ संस्थाएं स्थापित की गई, लंदन में उनके द्वारा स्थापित की गई थी, इंडियन लीग स्थापित की गई जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा और
जो है हमने बात करी कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन स्थापित की, मद्रास में हमने बात करी और बंबई में बात करी। तो ये संस्थाएं जो है अपने क्षेत्रीय स्तर पर थी, इनकी मांगे भी क्षेत्रीय स्तर पर थी, लेकिन एक अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन बनाने का जो प्रयास किया जा रहा था वो आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है उसके माध्यम से पूरा होता है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो एक तरीके से बहुत लंबी सतत प्रक्रिया होती है, और उसके पीछे हम देखते हैं कम से कम 60 से 70 वर्ष का जो एक, एक, एक जो जो मेहनत होती है हमारे जो जो राष्ट्रवादी जो नेता होते हैं वो आखिर में एक एक संगठन बनाने में वो सफल होते हैं। तो कांग्रेस का जन्म जो होता है 28 दिसंबर 1985 को होता है और बंबई में इसकी स्थापना होती है, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का एक भवन होता है उसमें इसकी पहली बैठक होती है। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको एओ ह्यूम बोला जाता है, वो इसके संस्थापक थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी, जिनको WC बनर्जी बोला जाता है। तो जो कांग्रेस जो थी उसका जो आरंभिक नाम जो है एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम दिया गया था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय संघ जब इसका नाम दे दिया गया था, लेकिन बाद में जो दादा भाई नरोजी थे उनके सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कर उसका नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और कांग्रेस जो शब्द है वो उत्तरी अमेरिका से लिया गया, तो उत्तरी इसका जो शब्द कांग्रेस शब्द का अर्थ जो होता है वो लोगों का समूह होता है। कांग्रेस जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो लोगों का समूह है, और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को होती है, और इसमें जो है 72 जो उसकी पहली जो जिसे जब जब सभा होती है उसमें 72 लोग होते हैं, मतलब जो सदस्यों की संख्या होती है वो 72 होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो सदस्य होते हैं वो बंबई प्रेसिडेंसी से होते हैं, बंबई प्रेसिडेंसी से इसमें 38 सदस्य होते हैं, और मद्रास जो प्रेसिडेंसी होती है वहां से इसमें 21 सदस्य होते हैं, और जो अवध का जो प्रांत था वहां से 7 सदस्य होते। तो एक तरीके से कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो है कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे अधिक जो प्रतिनिधि थे वो किस प्रेसिडेंसी से थे, तो वो जो बंबई प्रेसिडेंसी थे। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के उद्देश्यों की। तो कांग्रेस का जो उद्देश्य था, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उस दौरान राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो चुका था और धीरे धीरे राजनीतिक मांगें जो है वो जोर पकड़ रही थी। तो बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि देश के जो विभिन्न भागों के जो राष्ट्रवादी राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे, चाहे वो बंगाल के हों या मद्रास के हों या जो महाराष्ट्र के हों, उनके बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना था। क्योंकि कांग्रेस जो है वो अखिल भारतीय संगठन था, तो बिना संगठन जो कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित किए हुए किसी भी संगठन का संचालन जो नहीं हो सकता है। तो इसका पहला उद्देश्य यही था कि जो राष्ट्रवादी राजनीतिक जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र प्राप्त हैं और जो बुद्धिजीवी हैं, जो शिक्षित हैं, उनके बीच में जो है एक मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति धर्म प्रांत का भेदभाव किए बिना राष्ट्रीयता की एकता को विकसित करना और मजबूत करना। क्योंकि अगर हम बात करें कि भारत जो है अपने आप में विभिन्न जाति धर्म और प्रांतों में बटा हुआ, और एक तरीके से इनके बीच में भेदभाव भेद विद्यमानता, अगर भेद को हम देखा जाए जाति भेद विद्यमान थे, भाषा का भेद, अगर बंगाल में बात करें तो बंगला बोली जाती थी, महाराष्ट्र में बात करें तो मराठी, मद्रास में बात करें तो मलयालम और तेलुगु जो है तमिल, वो सारी भाषाएं बोली जाती थी। तो यहाँ पर उनका उद्देश्य था कि जो है ये जो चाहे धर्म है, जाति है, भाषा है, इन सब के भेद को मिटाकर एक राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित किया जाए और उसको मजबूत किया जाए, और जनप्रिय मांगों को निरूपित करना और उन्हें सरकार के सामने रखना। तो जनता से जुड़ी हुई जितनी भी मांगें थी, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे राजा मोहन राय द्वारा स्टार्टिंग में मांग की गई थी कि जो न्यायपालिका है केंद्रीय, उसको जो है कार्यपालिका से उसको अलग किया जाए। इन्होंने मांग की कि जो सिविल सेवा जो परीक्षा हो अभी तक जो इंग्लैंड में हो रही थी उसको भारत में भी कराया जाए, और जो जो लिटिन के द्वारा जो आयु जो थी घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी उसको 23 वर्ष कर किया जाए। तो सेना का वह जो सबसे अधिक होता था उसमें करीबन जो 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 ब्रिटिश सरकार थी उसका 30 से 35% के आसपास जो पैसा था वो सेना के खर्च में होता था। तो उनका ये मानना था कि सेना के व्यय में कटौती की जाए। साथ में ही ये भी मांग की गई कि जो इंग्लैंड से जो आयात होता है, जो कपड़ा आयात होता था या इंग्लैंड से जो भी चीजें आयात होती थी उन पर जो है कर लगाया जाए।
तो एक तरीके से जो जनता की मांगे थी उनको निरूपित किया जाए और उन्हें सरकार के सामने रखा जाए, देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित किया जाए, क्योंकि जनता जब तक जो है ये, प्लीज किसी का माइक ऑन है, आप ऑफ कर दीजिए अपने माइक को। देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित किया जाए, क्योंकि किसी भी कोई भी देश में राजनीतिक अगर आपको आंदोलन खड़ा करना है या लोगों को संगठित करना है, तो जब तक आप जनता को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, जब तक जनता को आप नहीं बताएंगे कि उनकी उनके क्या अधिकार हैं और वो जो है, और एक तरीके से जो 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 कंपनी जो हम सॉरी ब्रिटिश जो सरकार थी उसका स्वरूप क्या है, वो लोगों का कैसे शोषण कर रही है, तब तक आप उनको एक तरीके से उनको संगठित, ना तो आप उनको जागृत कर सकते हो ना ही उनको संगठित कर सकते। तो कांग्रेस का यही था कि जो जो क्योंकि भारत की जो जनता थी वो अधिकांश जो जनता थी उस समय एक तरीके से अशिक्षित थी, तो अशिक्षित जनता को शिक्षित करना जो है और उनको राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना अपने आप में बहुत कड़ा काम होता है। तो लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि आजादी जो है वो तब तक नहीं पाई जाती है जब तक जनता जो है अपने जो अधिकार हैं और अपना जो है अधिकारों को लेकर जागृत ना हो। तो कांग्रेस को द्वारा यही प्रयास किया गया कि देश में जनता जो जनमत है उसको प्रशिक्षित किया जाए, राजनीतिक रूप से उसको प्रशिक्षित किया जाए और उसको संगठित किया जाए, भारत राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण जो है वो तभी हो सकता है जब जनता के सभी वर्ग वो है, चाहे जाति धर्म भाषा प्रांत की जो भावना है उसको, जो भेदभाव है वो भेद है उसको दूर हटाते हुए राष्ट्र के तरीके से एक संगठित हो जाए, तो तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो यही था कि जो जाति धर्म प्रांत के जो बटे हुए लोग हैं उन भेदों को समाप्त किया जाए और एक राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया जाए, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए, जनमत को जागृत किया जाए, उनको उनकी जो मांगे हैं किस तरीके से जो सरकार उनका शोषण कर रही है उनको उनकी उन उनको जागृत किया जाए, लोगों को सक्रिय बनाना था ना, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में शामिल करना। तो ये सारी जो मांगे थी एक तरीके से ब्रिटिश शासन की प्रकृति के बारे में बताना, एक प्रकृति का मतलब ये हो गया कि कैसे ब्रिटिश जो सरकार थी उनका शोषण कर रही है, आर्थिक तौर पर शोषण कर रही है, राजनीतिक तौर पर, और या कैसे उनकी जो जो संस्कृति है कैसे उसको एक तरीके से वो नष्ट करने पर तुली हुई है, इन सारी जो प्रकृति है उसके बारे में उनको समझा, उनको जो जनता थी उसको बताना, और एक सशक्त साझा राजनीतिक मंच की स्थापना करना। तो जितने भी जो छोटे छोटे राजनीतिक संगठन होते हैं वो तो एक क्षेत्रीय स्तर पर थे, लेकिन एक अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक मंच की स्थापना करना जो पूरी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता हो। तो कांग्रेस जो थी उसके द्वारा ये उद्देश्य अपने प्रारंभिक स्तर पर रखे गए। तो यहाँ मैं कुछ चीजें आपको भी ला सकती होगी, तो हेलो कांग्रेस के, हाँ जी हेलो सर, ये जनमत हाँ जी क्या है बताइए, हाँ जी हाँ जी बताइए, जनमत मतलब लोग जो सर? है, जनमत जन हाँ जनता का जो मत है, जनमत का मतलब हो गया जनता का मत, मतलब जनता का जनमत, देश में जनमत को प्रशिक्षित करना, मतलब जनता जो होगी उसके जो जो जनमत है, जनता का जो मत है एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं, जनमत का मतलब जनता का मत से ही है, और विशेष तौर पर जनता ओके को हाँ प्रशिक्षित करना कि जो उसकी जो उनको राजनीतिक तौर पर प्रशिक्षित करना कि उनको बताना कि आपकी जो क्या मांगे हैं, मतलब उन मांगों जनता की जो अलग अलग मांगे होती थी, कि जैसे हमने बताया कि उन्होंने एक सूची बनाई जो कांग्रेस ने, जो मैंने भी अभी आपको बताया, चाहे वो केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्थापिका को जो थी या केंद्रीय जो व्यवस्थापिका थी वहां पर प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना और वोट का अधिकार दिया जाना, सेना के बे में कटौती किया जाना, तो यही जनमत था, उसको बताना कि हम जो है ये मांगे रख रहे हैं और ये मांगे जो है हम क्यों रख रहे हैं और ये मांगे जो है वो कैसे जो एक जनता है उसको कैसे प्रभावित कर रही हैं। तो जनमत का मतलब ठीक है यहाँ ठीक। जनता से हो गया यहाँ। ओके तो सर, अभी आखिर में, हाँ आप आखिर में, मैं आपको कम से कम 10 से 15 कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनकी मैं आपको डेट बताऊंगा, तो वो डेटें आपको नोट कर लीजिएगा और ये वर्क आपको अपने स्तर से करना है, जिसमें उस जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्ष का जो नाम, अध्यक्ष का नाम और उस अधिवेशन में क्या विशेष हुआ है वो आपको अपने स्तर से करना है, अगर नहीं होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा इस संबंध में। अब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की, क्योंकि
आपके सिलेबस में एक्चुअली जो है क्रम से सारी चीजें नहीं दी गई हैं। अगर हम जो है राष्ट्रीय भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बढ़ते हैं, तो एक कहानी के तौर पर सारी जो प्रक्रिया है हमको समझ में आती है। लेकिन आपके में क्या है कि वो प्रक्रिया जो है उसको नहीं दिया गया, बीच बीच में कुछ को टॉपिक दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो जो कांग्रेस की स्थापना होती है तो कांग्रेस की आप लोगों ने अपने अगर आपने पढ़ा होगा तो कांग्रेस में जो है जो जब स्थापना होती है तो कांग्रेस जो है एक तरीके से उस पर जो वर्चस्व होता है, जिन लोगों का कांग्रेस पर प्रभाव जो होता है वो उनको उदारवादी बोला जाता है, उनको एक तरीके से जिनको नरम पंथी इनको बोला जाता है, जिसमें अगर हम बात करें फिरोज शाह मेहता थे, दादाभाई नौरोजी थे या एसएन बनर्जी थे, तो ये लोग जो आरंभिक स्तर पर थे, जितने भी जो क्षेत्रीय संगठन स्थापित हुए थे वो एक तरीके से कांग्रेस के अंतर्गत ही शामिल हो गए, जिनमें जो है अगर हम बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें, आरसी दत्त की बात करें, आनंद मोहन बोस की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, एमजी रानाडे हैं, बाल गंगाधर तिलक और शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, ये मदन मोहन मालवीय और सी विजय राघवाचारी, दिनेश की बात है, तो ये जो है कांग्रेस के से है आरंभिक स्तर पर जुड़ते हैं सारे लोग। लेकिन कुछ लोग जो इसमें होते हैं वो उदारवादी होते हैं, जिनको नरमपंथी इनको बोला जाता है। तो जो नरमपंथी होते हैं वो स्टार्टिंग में एक तरीके से प्रारंभिक स्तर पर 1885 से और 1905 जब बंगाल विभाजन जो आंदोलन है उससे पहले तक कांग्रेस पर इनका जो है उदारवादी जिनको बोला जाता है या आरंभिक राष्ट्रवादी जिनको बोला जाता है उनका नियंत्रण होता है। तो जो उदारवादी होते हैं वो एक तरीके से जो है इनका ये मानना होता है कि जो सरकार है, एक तरीके से हमने देखा कांग्रेस की जो हमने मांगे देखी स्टार्टिंग में तो उसमें लिखा था कि जनमत को शिक्षित और प्रशिक्षित करना, तो इनका ये मानना था कि देश को जब तक राजनीतिक जो जनता है उसको राजनीतिक तौर पर हम लोग प्रशिक्षित नहीं करते हैं और जो राष्ट्रीय भावना है जब तक हम उन राष्ट्रीय भावनाओं को जो है मजबूत नहीं करते, उनको नहीं जगाते हैं, तब तक जो सरकार है उससे सीधी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, मतलब जो है जो उसे राजनीतिक मुक्ति नहीं पाई जा सकती। तो आरंभिक जो तरीके से कांग्रेस थी या ये कहें कि जो आरंभिक राष्ट्रवादी थी उनका जो मानना यही था कि जब तक जनता को जो है शिक्षित प्रशिक्षित ना किया जाए, राजनीतिक तौर पर उनको जो है जो राजनीति है उसकी मुख्य धारा में ना लाया जाए, उनको राजनीतिक आंदोलनों के लिए उनको शिक्षित ना किया जाए और राजनीतिक आंदोलनों में उनको समर्पित ना किया जाए, तब तक जो है वो संवैधानिक तरीके से जो है एक तरीके से पत्रों के माध्यम से अपने जो है पत्राचार के माध्यम से जो है एक जो है सम्मेलनों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से और जो है अन्य तरीके जो भी हो सकते थे उनके माध्यम से जो है आंदोलन चलाया जाए और जो सरकार है उससे अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया जाए। तो एक तरीके से ये जो नेता थे, जो आरंभिक हमारे नेता थे, वो सीधे लड़ाई लड़ने से बच रहे थे सरकार से, साथ में क्योंकि उनको ये डर था क्योंकि अभी हम जो है एक तरीके से हमने अपना जो है अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय स्तर का जो है एक संगठन बनाया है और सरकार कहीं अगर एक तरीके से नाराज हो गई तो वो इस संस्था जो संगठन है उसको नष्ट ना कर दे, तो उनका ये डर भी उनके अंतर्गत था और वो धीरे धीरे अपनी मांगों को लेकर बढ़ रहे थे और जनता को जो है संगठित करने का और राष्ट्रीय जो भावनाएं थी और राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि हम यहाँ ये एक चीज और देखते हैं कि भारत में जो चाहे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है या राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय चेतना की जो शुरुआत होती है वो बंगाल से होती है, तो बंगाल जो था उस समय 1885 की बाद से लेकर जो राष्ट्रीय जो चेतना थी, जो राष्ट्रीयवादी जो आंदोलन था उसका जो एक तरीके से केंद्र के रूप में उभरता है। तो बंगाल चूंकि भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का मुख्य रूप से केंद्र था और जो उस समय जो गवर्नर जनरल था जो कर्जन, उसने राष्ट्रवादी जो भावनाएं उस समय जो बढ़ रही थी और जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो अपनी गति को प्राप्त कर रहा था उसको रोकने के लिए बंगाल के विभाजन की उसने योजना बनाई। तो बेसिकली जो बंगाल जो विभाजन था उसका उद्देश्य, तो बंगाल विभाजन को बेसिकली उसने ये कहा कि जो बंगाल विभाजन है उसका उसको उसने उसने उसके प्रशासनिक तौर पर उसने
जोड़ा, उसको ये कहा कि जो बंगाल का जो विभाजन है, क्योंकि बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है प्रांत है और इसमें साथ में ही बिहार और उड़ीसा भी उस समय इसमें शामिल थे, तो उसका ये मानना था। लेकिन उसका अगर देखिए उसका जो छुपा हुआ उद्देश्य ये था कि कैसे भी करके जो 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 राजनीतिक जो आंदोलन जो खड़ा हो रहा है भारत में, जो राष्ट्रीय आंदोलन जो खड़ा हो रहा है, उसको कैसे भी करके उसको समाप्त किया जाए। तो जो वायसराय लॉर्ड कर्जन था 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की उसके द्वारा बंगाल विभाजन का उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो विभाजन होता है वो प्रभावी हो जाता है। ठीक है ना, तो बंगाल जो उसमें राष्ट्रीय चेतना का जो केंद्र था वो जो था उस राष्ट्रीय चेतना को तोड़ने का प्रयास इसके द्वारा कर्जन के द्वारा किया गया। तो बंगाल में उस समय बिहार उड़ीसा और बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है वो जो है वो सम्मिलित था। अब हम बात करते हैं वास्तविक कारणों पर। तो बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधि था, बंगाल में प्रबल राजनीतिक जागृति थी और उसे दबाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। तो बंगाल को देखे जो विभाजन किया गया था वो कई स्तरों पर जो जो हमारी जो राष्ट्रीय चेतना जो राष्ट्रवाद भारत में का जो उदय हो रहा था उसको तोड़ने के लिए उसकी तरह किया गया। क्योंकि अगर हम देखें पहले स्तर पर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि जो बंगाल था वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आबादियां उसमें थी, दोनों ही संप्रदाय के उसमें लोग थे, तो उसके द्वारा जो विभाजन किया गया जो पूर्वी बंगाल जो था और उसको पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में उसको बांट दिया गया। तो जो पूर्वी बंगाल जिसको हम अभी बांग्लादेश जिसको बोला जाता है तो उसके अंतर्गत तो असम और पूर्वी बंगाल को रखा गया और साथ में ही कुछ अन्य जिले जो अभी बांग्लादेश के भाग हैं जो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए थे और जो 1971 में बांग्लादेश बन गया, जैसे राजशाही, ढाका, चटगांव का नाम आप अभी भी सुनते होंगे न्यूज पेपर में। तो ये विभाजन ये किया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में किया गया। तो जो पूर्वी बंगाल में असम और पूर्वी बंगाल शामिल के कुछ जो जिले थे राजशाही, ढाका और चटगांव था और ढाका जो थी जो प्रांत का जो बनाया गया था उसकी राजधानी थी, मुख्यालय था उसका। क्योंकि जो जो जिसको जो ढाका जिसका मुख्यालय होगा जो पूर्वी बंगाल उसमें जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या थी और जो हिंदू जो थे वो अल्पसंख्यक में थे। दूसरा जो उन्होंने पश्चिम जो बंगाल बनाया जो आज की अगर हम बात करें जो आज का जो वर्तमान का पश्चिम बंगाल है एक तरीके से, उस समय उस जो पश्चिम बंगाल में बिहार और उड़ीसा और साथ में जो पश्चिम बंगाल है वर्तमान का वो भी उसके अंतर्गत सम्मिलित था। तो एक जो एक तरीके से जो बंगाल था बहुत बड़ा प्रांत था अपने आप में और जो पश्चिम बंगाल में उस समय बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो सम्मिलित थे तो उसकी जनसंख्या में जो बहुसंख्यक स्तर पर हिंदू थे और अल्पसंख्यक स्तर पर मुसलमान थे। तो एक तरीके से एक प्रांत में पूर्वी बंगाल में तो उसने हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया और पश्चिम जो बंगाल है उसमें इसने मुसलमानों को अल्पसंख्यक बना दिया। तो एक तरीके से धार्मिक आधार पर इसने जो है भारत की जो जो राष्ट्रवादी जो चेतना का जो उदय हो रहा था उसको एक तरीके से तोड़ने का प्रयास किया। साथ में ही जो है उस दौरान अगर हम ये बात करें कि 1906 के दौरान ही भारत में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है उसका उद्देश्य भी होता है कि बंगाल, क्योंकि वो भी बंगाल में ही होती है मुस्लिम लीग की स्थापना, तो उसका भी उद्देश्य ये था कि भारत में जो राष्ट्रीय जो जो चेतना जो उदय हो रहा है कैसे भी और जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो एक तरीके से भाईचारे की भावना विद्यमान है कैसे भी सांप्रदायिकता की भावना का इनके अंदर उदय किया जाए और जो राष्ट्रीय चेतना है उसको विभाजित किया जाए। तो कर्जन ने जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। तो ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई, तो वो कर्जन ने अपनाई थी। तो जब राष्ट्रीय जब बंगाल विभाजन की जो सूचना मिलती है तो बंगाल चूंकि अपने आप में बुद्धिजीवियों का केंद्र होता है तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन की शुरुआत होती है। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया जाता है।
तो बहिष्कार का प्रस्ताव, जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की जाती है, उसी से है। जितने भी भारत में विदेशी, उस समय भारत में हर छोटी छोटी चीजें जो भारत में विदेशी आती थी, अगर भारत में देखा जाए तो जो महिलाएं जो चूड़ियां पहनती थी, वो भी जो सिंदूर लगाती थी, वो भी जो चीनी होती थी, वो भी जो है इंग्लैंड से ही आती थी। एक तरीके से भारत में जो उद्योग थे सबका पतन उनके द्वारा कर दिया गया। और 16 अक्टूबर को बंगाल का जो विभाजन है वो प्रभावी हो गया, और विभाजन के बाद बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो 16 अक्टूबर जिस दिन बंगाल का विभाजन होता है, उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके द्वारा उस दिन को, जिस दिन बंगाल का विभाजन प्रभावी होता है, उसको राखी दिवस के रूप में उनके द्वारा मनाया जाता है। तो राखी दिवस, चूंकि हम लोग कलाइयों पर राखी बांधते हैं, वो राखी का उद्देश्य यही होता है, एकता को प्रदर्शित करना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाए जाने का उनके द्वारा सुझाव दिया गया। तो और कहा गया कि इसके माध्यम से हम जो है हिंदू मुस्लिम जो भाई है, अपने आप में एकता प्रदर्शित करेंगे, और ये दिखाएंगे सरकार को कि जो विभाजन है, बंगाल का विभाजन है, उनकी जो एकता में दरार नहीं डाल सकता है। अब हम बात करते हैं आंदोलन का नेतृत्व। तो आंदोलन, चूंकि बंगाल में आंदोलन का नेतृत्व हुआ था और कांग्रेस का उदय हो चुका था, तो आंदोलन का जो हर प्रांत में और हर जगह विरोध हुआ। तो जो मुख्य मुख्य जो नेता थे उनके द्वारा अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में, चूंकि तिलक जो है महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे नेता थे, तो महाराष्ट्र में जो आंदोलन का नेतृत्व, जो बंगाल विभाजन जो था, स्वदेशी आंदोलन जो था, उसका नेतृत्व तिलक द्वारा उनकी पुत्री के द्वारा किया गया। पंजाब में अगर हम बात करें, पंजाब और जो उत्तर प्रदेश का जो प्रांत था, वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है, उसको उसमें जो है अजीत सिंह, लाला लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और जयपाल के द्वारा किया गया। दिल्ली में सैयद हैदर रजा खां के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। दिल्ली में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? सैयद हैदर रजा खां द्वारा किया गया था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चालू और पीएम नायक जैसे जो राष्ट्रवादी नेता थे, ये पीएम की जगह टीएम नायक है, ये पीएम की जगह टीएम, इसको पढ़िएगा। मैं इसको अभी जब ठीक आपको पीडीएफ भेजूंगा तब इसको मैं ठीक कर दूंगा। तो टीएम नायक जैसे नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब हम बात करेंगे कि जो स्वदेशी आंदोलन था वो उसमें उसके उद्देश्य, उसके कार्यक्रम क्या थे। तो जैसे हम बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी से ही आप लोग समझ रहे हैं, जैसे अगर कोरोना काल में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भरता का नारा उनके द्वारा दिया गया, तो उस समय भी जो विदेशी माल था और मतलब एक तरीके से उसको, उस माल का बहिष्कार करके स्वदेशी का नारा दिया गया था, तो इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी माल के बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए पारंपरिक जो हमारे जो त्योहार होते थे, मेले होते थे, उनका सहारा लिया गया, और इस आंदोलन में आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया गया। जैसे भी अभी हाल में जो है चीनी माल और अन्य जो चीजें हैं, या ये कहें भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया, ऐसे ही स्वदेशी आंदोलन में भी आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया। अब आत्मनिर्भरता का जो नारा दे तो दिया गया, लेकिन अब विदेशी माल के रिप्लेस के लिए, या ये कहें कि विदेशी माल को हटाने के लिए हमको भी अपने स्तर पर उद्योग धंधे को शुरू करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही उस दौरान जो विदेशी माल की जो एक तरीके से सप्लाई को रोकने के, ये विदेशी की जो देशी हो जाएगा, ये देशी माल की सप्लाई के लिए स्वदेशी स्टोर खोलेंगे। जैसे आचार्य जो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना की गई थी, और भी अन्य संस्थान स्थापित किए गए थे। तो बेसिकली ये मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि बंगाल केमिकल जो स्टोर थी उसकी स्थापना किसने की, तो ये जो स्थापना जो की थी वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा की गई थी। अब जो बंगाल में जो स्वदेशी जो आंदोलन था उसमें छात्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि छात्र का अगर किसी भी हम देखें, किसी भी आंदोलन का या राजनीतिक गतिविधि का, जो छात्र होते हैं वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो छात्रों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका अदा की गई, और जो सरकार थी एक तरीके से वो इनसे परेशान हो गई। तो सरकार ने द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि ऐसे जो छात्र जो स्वदेशी आंदोलन में भाग लेंगे, तो उन जो शिक्षण संस्थान है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और उन संस्थाओं की जो मान्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो इस स्थिति में भारत में जो, और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, तो सबसे पहले 1905 में रंगपुर नेशनल कॉलेज की
स्थापना की गई। और 1996 की जगह 1906 हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक रहा है इसमें, तो 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई और जो अरविंद घोष थे वो इसके प्रिंसिपल बने। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि जो स्वदेशी का नारा जो दिया गया था, तो वो जो स्वदेशी का जो नारा था वो स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए अनेक स्थान पर स्वदेशी स्टोर खोले गए, जो अभी तक जो संस्थाएं थी जिनमें जो पाश्चात्य जो संस्कृति और पाश्चात्य जो शिक्षा पढ़ाई जा रही थी उसकी जगह राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने का कार्य किया गया। तो इसमें सबसे पहला रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई 1905 में और उसके बाद में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में की गई और अरविंद घोष जो है इसके प्रिंसिपल बने। साथ में ही उस दौरान अगर हम देखें स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है उसके जो हमारी जो सांस्कृतिक जो गतिविधि थी उस पर भी प्रभाव पड़ा और उसका भी उत्थान हुआ। इसको बंगाल जो साहित्य था, बंगला जो साहित्य था उसका स्वर्ण काल माना जाता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो हो गए और जो है हम बात करें द्विजेंद्रलाल नारायण हो गए, मुकुंद दास और अबू सैयद अबू मोहम्मद जैसे लोगों ने प्रेरणा के गीत लिखे। तो अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस समय ही अमार सुनार बंगला की रचना की गई थी जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है उनका राष्ट्रीय गीत बना। तो हम देखते हैं कि इस दौरान जो बंगाल में बहुत सारे गीतों की रचना की गई और ये गीत जो है अभी भी बंगाल में वर्तमान में भी देखा जाए तो बंगाल में एक तरीके से उनके बीच में जो प्रेरणा का कार्य करते हैं जो उस दौरान ये गीत जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो गीत लिखे गए थे। कला के क्षेत्र में देखें तो कला में भी जो है प्रयास किए गए कि अभी तक जो कला क्षेत्र में जो प्रेरणाएं जो ग्रहण की जा रही थी वो पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसी से ग्रहण की जा रही थी, लेकिन पहली बार जो है अवीन्द्रनाथ टैगोर, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कला के क्षेत्र में किसके द्वारा कार्य किया गया, तो अवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो भारतीय कला जो थी उसको इन्होंने बढ़ावा दिया, जो परंपरागत जो हमारी अजंता की जो चित्रकलाएं थी उनके द्वारा इन्होंने प्रेरणा ग्रहण की। और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र जो है बोस का आपने नाम सुना होगा और जो है प्रफुल्ल चंद्र राय जिनके बारे में जो इन दोनों लोगों ने विशेष रूप से भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया। तो जगदीश चंद्र बोस थे वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में थे और साथ में जो प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे वो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन था उसने क्योंकि उसमें जो नारा था वो आत्मनिर्भरता का नारा था, तो जो विदेशी जो माल था या जो विदेशी जो सभ्यता जो संस्कृति थी उससे हटकर भारतीय सभ्यता संस्कृति पर जो एक तरीके से बहुत ज्यादा गौर दिया गया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो है एक तरीके से कला का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो, सभी जो क्षेत्रों में इसके अंतर्गत जो है प्रगति हुई। स्वदेशी आंदोलन में विशेष रूप अगर हम बात करें इसके आधार की बात करें, इसके सामाजिक आधार की बात करें कि किस किस किन किन लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया था, तो स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका रही। अगर पहले प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहली बार किस आंदोलन में महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, किस आंदोलन में महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, तो वो स्वदेशी आंदोलन था। पहली बार महिलाएं जो है स्वदेशी आंदोलन में बाहर निकली और वो जो है अपने घरों से बाहर निकली और धरने प्रदर्शन पर भी बैठी एक तरीके से। तो महिलाओं की इस आंदोलन बहुत जो है बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से सक्रिय भूमिका थी। बंगाल के किसानों ने जो है बंगाल के जो किसान थे जो छोटे किसान थे उसको ये आंदोलन जो है वो प्रभावित नहीं कर सका। ये प्रश्न पूछा जाता है कि चार ऑप्शन आपके सामने होंगे कि बंगाल जो आंदोलन था वो जो है स्वदेशी आंदोलन जो था वो किसको प्रभावित नहीं कर सका। उसमें महिलाओं का भी ऑप्शन होगा, उसमें छात्रों का भी ऑप्शन होगा, उसमें मुस्लिम्स का भी ऑप्शन होगा उसमें, और उसमें किसानों का भी ऑप्शन होगा, तो उसमें किसानों का ऑप्शन ठीक होगा। और ये आंदोलन जो है विशेष रूप से जो शहरी बुद्धिजीवी थे उन तक ही रहा और शहरों के जो छोटे लोग थे और जो मध्यम वर्ग के जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन तक ये आंदोलन नहीं पहुंच पाया। बहुसंख्यक मुसलमानों ने जो खेतिहार मुसलमान थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया और अंग्रेजों ने मुस्लिमों का उपयोग जो है सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए किया। जैसे मैंने अभी बात करी 1906 में जो है जो नवाब जो ढाका के जो नवाब थे नवाब सलीमुल्ला जो थे उन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना बेसिकली इसी को ध्यान में रखकर की गई थी, जो राष्ट्रीय जो चेतना का उदय हो रहा है और जो स्वदेशी आंदोलन है उसको कैसे भी तरीके से
रोका जाए, अंग्रेजों ने एक तरीके से उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको समर्थन दिया। तो यहां तक हमने देखा कि स्वदेशी आंदोलन जो है अपने आप में पहला भारतीयों का एक तरीके से अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था और अपनी मांगों को, अपनी राजनीतिक मांगों को व्यक्त करने के लिए था, जो जो एक तरीके से जो कर्जन द्वारा ये एक तरीके से घृणित कार्य किया गया था, जो राष्ट्रवादी चेतना का जो उदय हो रहा था उसको तोड़ने का उसके द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन हम देखते हैं चूंकि विभाजन तो कर दिया गया लेकिन जो आंदोलन था वो एक तरीके से सतत रूप से चलता रहा। लेकिन जो आंदोलन जो था स्वदेशी का, जो बहिष्कार का आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन जो था वो अपने जो तात्कालिक जो लक्ष्य थे एक तरीके से उसको प्राप्त करने में ये सफल नहीं हुआ। उसका आंदोलन वो किस लिए किया गया था कि जो बंगाल विभाजन है उसको रोका जाए, लेकिन बंगाल विभाजन तो हो गया था, तो बंगाल ये आंदोलन जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा और बंगाल का विभाजन को जो है ये समाप्त नहीं कर सका। बाद में 1906 में एक अरुणडेल कमिटी का गठन किया गया और इस समिति ने ये सुझाव दिया कि जो बंगाल का जो विभाजन किया गया है उसको समाप्त कर देना चाहिए और बंगाल को पुनः जो एक संयुक्त कर देना चाहिए। तो 1911 में बंगाल जो विभाजन है उसको समाप्त करके जो है बंगाल को संयुक्त कर दिया गया। और उसी दौरान जो है दिल्ली में एक 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, उस समय बंगाल जो ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम भारत आए थे, मतलब दिल्ली आए थे, और उन्होंने ये घोषणा की कि जो जो अभी तक जो जो ब्रिटिश जो सरकार है उसका जो जो राजधानी जो कलकत्ता में है उसको दिल्ली लेकर आया जाए। तो जो राजधानी जो थी एक तरीके से मतलब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी जो कलकत्ता थी उसको 1912 में मतलब जो दिसंबर 1911 में इसकी घोषणा की गई थी और दिसंबर 1912 में मतलब 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी जो है घोषित किया, मतलब घोषित बना दिया गया। तो एक तरीके से 1912 के बाद से ही भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली रही है। ब्रिटिश सरकार के समय भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता में थी। अब हम बात करते हैं रोलेट एक्ट की। तो रोलेट एक्ट से पहले अगर हम बात करें टॉपिक पे, यही हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की। तो बंगाल जो विभाजन जो था वो एक तरीके से आकस्मिक रूप से समाप्त हो गया, क्योंकि इसका उद्देश्य जो था वो बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए इसका उदय हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको, बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए हुआ था, लेकिन ये आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। साथ में ही जो युवा वर्ग जो इस आंदोलन से जो जुड़ा हुआ था, युवा जो आंदोलन, क्योंकि हमने देखा अभी छात्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो साथ में ही जो जो छात्र थे और एक एक अंदर हम एक चीज देखते हैं कि जो ब्रिटिश जो जो है जो कांग्रेस जो थी, जो एक तरीके से जो उदारवादी जो थे आरंभिक स्तर पर जो है बंगाल विभाजन का जिन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन बाद में जो है कांग्रेस के अंदर ही जो है एक तरीके से कांग्रेस में ही जो एक तरीके से फूट पड़ जाती है। वो फूट ऐसे पड़ती है कि जो कांग्रेस के अंतर्गत ही दो वर्गों का एक तरीके से उदय हो जाता है। जो उदारवादी जो होते हैं, जो मैंने बताया संवैधानिक तरीके से, लेकिन जो उग्रवादी होते हैं जिनको हम लाल बाल पाल कहते हैं, जिनको लाल जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, तो जिनका नाम आपने सुना होगा, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो जो उदारवादी होते हैं वो बंगाल जो जो स्वदेशी आंदोलन होता है उसको बंगाल के स्तर तक ही उसको रखना चाहते हैं। एक तरीके से वो इस आंदोलन का जो जो प्रसार है वो अखिल भारतीय स्तर पर नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, वो संवैधानिक तरीके से ही लड़ना, मतलब संवैधानिक सुधारों को ही जारी रखना चाह रहे थे, संवैधानिक तरीकों से ही लड़ना चाह रहे थे, विरोध करना चाह रहे थे। लेकिन जो उदार जो जो उग्रवादी थे तरीके से, ये कहें कि उनका ये मानना था कि अब समय आ गया है कि जो जनता है वो जागृत हो गई है और हमें जो ब्रिटिश जो सरकार है उससे प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करना चाहिए, उससे हमें प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करना चाहिए। लेकिन जो उदारवादी थे उन्होंने कहा कि जनता भी जो है इतनी जागृत नहीं हुई है और कि वो जो है जो ब्रिटेन जो सरकार है उससे प्रत्यक्ष रूप से जो है टक्कर ले चुके, अगर कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो पूरा आंदोलन और जो कांग्रेस का जो संगठन खड़ा किया है उसको ही वो समाप्त कर दे।
तो इसी चीजों को लेकर कांग्रेस के अंदर जो है एक तरीके से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और 1907 में कांग्रेस का जो है सूरत में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, उसमें कांग्रेस का जो है विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस का विभाजन जो है एक तरीके से 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और जो आंदोलन जो चल रहा था स्वदेशी आंदोलन वो भी जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें इसमें जो छात्र जो थे, क्योंकि उनके अंतर्गत एक नई चेतना उदय हो गई थी और वो ये मानने लगे थे कि अब जो है भारत जो है, क्योंकि आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एक तरीके से हो चुका है और भारत जो है एक तरीके से स्वतंत्र जल्दी ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा, लेकिन एक तरीके से उनको निराशा हाथ लगी। जो छात्र जो थे जिन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और राष्ट्रीय आंदोलन में ही उन्होंने पूरी तरह से प्रतिभाग किया था, तो उनके अंदर एक निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये जो निराशा की जो स्थिति थी उनका ये एक तरीके से ये जो है वो हिंसा गतिविधियों के रूप में परिवर्तित होती है, एक तरीके से उनके द्वारा हिंसा का मार्ग अपना लिया जाता है। तो वो ये मानने लगते हैं कि जो विदेशी सरकार है उसको बम और जो पिस्तौल की जो रणनीति है उसके माध्यम से ही उसको हटाया जा सकता है। तो इधर तो ये जो स्वदेशी आंदोलन समाप्त होता है और उसके बाद में ही जो है क्रांतिकारी आंदोलनों का दौर शुरू हो जाता है। तो 1906 में के बाद हम देखते हैं बंगाल में, महाराष्ट्र में और जो है मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय होता है। तो जैसे ढाका आपने अनुशीलन समिति का नाम, अनुशीलन महाराष्ट्र में, इधर बंगाल में अनुशीलन समिति का आपने नाम सुना होगा। साथ में ही जो है अगर हम बात करें आत्मोन्नति समिति का नाम आपने सुना होगा और महाराष्ट्र में भी काफी सारी जो है समितियां स्थापित हुई। विदेशों में भी काफी सारी जो हमारे क्रांतिकारी थे जैसे श्यामजी किशन वर्मा का इंडियन होम रूल सोसाइटी की उन्होंने स्थापना करी थी और हमने जो है हमने उनका भी नाम सुना था, जो है एक नाम मैंने बताया था वीर सावरकर का, मैंने नाम बताया था आप लोगों को वीर सावरकर का। तो और गदर जो है पार्टी आंदोलन, तो ये पूरे एक तरीके से भारत में तो जो है क्रांति का आंदोलन चले ही, साथ में विदेशों में भी उस दौरान भारत में क्रांतिकारी आंदोलन फैले हुए थे। तो चूंकि भारत में एक तरीके से देखें और उधर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम युद्ध की शुरुआत हो जाती है और भारत में जो है क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे होते हैं, तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन जो फैले होते हैं उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। तो विशेष रूप से ये जो कमेटी जो गठन की गई थी उसका उद्देश्य यही था कि भारत में जो प्रांत, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें या बंगाल की बात करें या मद्रास की बात करें, तो वहां पर जो क्रांतिकारी आंदोलन जो फैले हुए हैं और क्रांतिकारी जो गतिविधियां चल रही हैं उनको रोकने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता होगी, उस पर विचार करने के लिए 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। साथ में ही 1917-18 के आसपास जो है भारतीय रक्षा के लिए कानून बनाया गया था कंपनी के द्वारा, उसकी अवधि भी समाप्त हो रही होने को थी। तो उसकी जगह पर किस प्रकार का कानून लाया जाए, तो सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कानून एक जो है समिति का गठन किया गया। तो जो जो विधेयक जो लाया गया था उसमें, मतलब विधेयक ये लाया गया, इसमें ये प्रस्तावित किया गया, ये कानून तो नहीं बना लेकिन ये विधेयक ये लाया गया कि मजिस्ट्रेट जो होगा, जो जो अधिकारी जो होंगे वो किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं और उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकते हैं। तो जो रोलेट एक्ट था उसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। तो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का इसको कानून कहा गया। साथ में ही जो एक व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार होता है कि वो अदालत के सामने स्वयं उपस्थित हो, तो उस जो अधिकार था उसको भी रोलेट एक्ट में एक तरीके से निलंबित करने का अधिकार जो है दिया गया। तो ये जो जो है रोलेट एक्ट था अपने आप में एक तरीके से बहुत ज्यादा एक घृणित ये कह सकते हैं एक्ट था और इसमें जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां जो भारत में चल रही थी उनको उनको जो है रोकने के लिए इस कानून को लाया जा रहा था। तो इस कानून के जो है विरोध में ही इसको एक तरीके से जो है इसको काला कानून भी कहा गया। साथ में ही अपराध, आतंकवादी अपराध जो नियम है उस वो भी इसको नाम दिया गया था। तो इसके विरोध में आंदोलन प्रारंभ होता, चूंकि हम देखते हैं कि 1915 में भारतीय जो है राजनीतिक जो है ये कहें राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसमें गांधी जी आ गए होते हैं और तो इस एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा जो है 16 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल
का आह्वान किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और उनके द्वारा एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की जाती है। तो जो सत्याग्रह सभा है इसका विशेष रूप से उद्देश्य ये होता है कि जो साहित्य का जो प्रकाशन किया जाए, वितरण किया जाए, और लोगों में इस जो रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन गांधी जी द्वारा खड़ा किया गया, तो एक जनमत तैयार किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनको बताया जाए कि ये आंदोलन जो विधेयक या ये कानून जो सरकार लेके आ रही है वो किस तरीके से भारतीय लोगों को जो है प्रभावित करेगा। तो गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन जो है शुरू किया गया और सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। इस आंदोलन की भागदौड़ संभाली गई। स्वामी जो श्रद्धानंद और जो सतपाल डॉक्टर सतपाल थे, इनके जो है निमंत्रण पर गांधी जी जब पंजाब की ओर जा रहे थे तो मार्ग में ही हरियाणा में पलवल के पास में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी को गिरफ्तार करेंगे, प्रचार प्रसार का माध्यम क्या होगा आपका, जो है आप पुस्तकें बांटेंगे उनके बीच में, जो 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 कानून लाया जा रहा है उसके बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों के हस्ताक्षर लेंगे, और हस्ताक्षर लेने का उद्देश्य यही होता है कि जो सरकार है उसको बताया जाए कि इतने जो लोग हैं वो इसको विरोध में है और इस कानून को आप ना लाइए, और हिंसक जो सभाएं स्थापित लोगों को, तो हिंसक सभाएं की गई लोगों को ये बताने के लिए कि ये आंदोलन जो ये जो विधेयक है वो कैसे लोगों को प्रभावित करेगा। तो दिल्ली चूंकि गांधी जी अपनी ओर से चला रहे थे, साथ में जो स्वामी श्रद्धानंद थे, ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं स्वामी श्रद्धानंद, तो इनके द्वारा दिल्ली में जो है इस आंदोलन की बागडोर संभाली गई। तो स्वामी जो श्रद्धानंद थे और पंजाब के जो नेता थे जो सतपाल डॉक्टर सतपाल बोला जाता है, इनके द्वारा गांधी जी को ये निमंत्रण दिया गया कि वो पंजाब में आए, पंजाब में आकर आंदोलन करें एक तरीके से, या पंजाब की स्थिति है जो उसका जायजा लें। लेकिन जो हरियाणा के जो पलवल है, जो हरियाणा का जो पलवल है वहां पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जो है वहां से गिरफ्तार करके बॉम्बे जो है महाराष्ट्र बम्बई इनको भेज दिया गया इनको। तो जो पंजाब के जो लोग थे एक तरीके से, यही कहें पूरे देश में एक तरीके से जो है आक्रोश की स्थिति थी कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पंजाब में प्रवेश लगा दिया गया था। तो जो गांधी जी और जो 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 अन्य जो नेता जो गांधी जी की जो गिरफ्तारी थी उसके विरोध में पंजाब के दो प्रसिद्ध जो नेता थे, डॉक्टर जो सतपाल थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, क्योंकि इनका नाम बहुत बार बार आएगा, और इसमें ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे पंजाब में जब जो है ये घटनाक्रम होता है, जलियांवाला बाग घटनाक्रम होता है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि जो पंजाब में जो जो सभा जो बुलाई गई थी एक तरीके से, मतलब वो जो जो किन की गिरफ्तारी जो हुई थी उसके विरोध में सभा की गई थी। तो ये दो नेता थे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको जो है पंजाब में उसके कमीशन 19 अप्रैल 1919 को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये उस समय जो गिरफ्तार इनको किया जाता है उसमें पंजाब प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो माइकल ओ डायर होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम था माइकल ओ डायर। तो ये दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 अप्रैल को सरकार द्वारा जो शहर है जो अमृतसर शहर था उसका प्रशासन जो है एक सैन्य अधिकारी जनरल ओ डायर को दे दिया जाता है। मतलब ये दोनों नाम सेम है, सिर्फ अंतर जो है नाम अंतर जो है माइकल का नाम अंतर है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो माइकल ओ डायर था, और जो सैन्य अधिकारी जो था मतलब जिसने गोलियां जो चलाई थी वो ओ डायर था, जनरल ओ डायर था। 13 अप्रैल को जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन होता है और अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जो सभा आयोजित की जाती है, तो जैसा उल्लेख प्राप्त होता है कि यह सभा एक हंसराज नाम के एक व्यक्ति द्वारा बुलाई गई। तो इस सभा का जो उद्देश्य यही था कि जो गांधी जी की जो गिरफ्तारी की गई है और जो डॉक्टर जो सतपाल हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं, उनकी गिरफ्तारी की जो गिरफ्तार की गई है उसका विरोध करना और उनको रिहाई की मांग करना, विशेष रूप से इनका ये उद्देश्य था। तो जनरल जो है ओ डायर था उसने जो एक तरीके से लोगों को बिना चेतावनी
हुए और उसके बाद की कहानी आपने सब सुनी होगी, बिना चेतावनी दिए हुए जो है लोगों पर गोली चलाना उसके द्वारा शुरू कर दिया गया। उसमें हजारों लोग, मैं तो बहुत कम लोग बताए गए थे कि काफी कम लोग मारे गए, लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो इसमें जो है बहुत लोग इसमें मारे गए थे। तो ये जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में अलग अलग जो हमारे राष्ट्रवादी जो नेता, राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, उनके द्वारा अपनी उनके द्वारा इसकी निंदा की गई। तो आपने नाम सुना होगा दीनबंधु सी एफ एंड्रयूज का, आपने नाम सुना होगा। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो की गई हत्या है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको एक नाइट की उपाधि दी जाती थी, जैसे हम लोग को सर की उपाधि द्वारा त्याग दी गई सर। ये नायर हैं और इन्होंने जो ये उस समय वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, उस परिषद की ये सदस्य थे, उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकार द्वारा जलियांवाला बालाबाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया गया। तो ये हंटर कमेटी 1919 में बनाई गई थी। तो यहाँ एक प्रश्न और आता है, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एक हंटर कमेटी और बनाई गई थी। हंटर कमेटी वो 1882 में 82-83 में वो शिक्षा के संबंध में बनाई गई थी, एक कमेटी और बनाई गई थी, ठीक है ना। और यहाँ भी एक हंटर कमेटी बनाई गई है जो 1919 में। तो अंतर यही है कि जो वो अगर शिक्षा के संबंध में पूछा जा रहा है तो वो अलग से आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि हंटर शिक्षा के संबंध में कौन सी कमेटी है, हंटर कमेटी है। और यहाँ भी एक जलियांवाला बाग के संबंध में भी हंटर कमेटी का गठन किया गया जो 1919 में किया गया था। तो हंटर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, लेकिन सरकार द्वारा जो है एक तरीके से जो रिपोर्ट एक तरीके से जो है जो हत्या जो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसकी रिपोर्ट एक तरीके से लीपापोती इनके द्वारा कर दी गई। लेकिन कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस जो है वो इस समिति की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई, तो उनके द्वारा भी जलियांवाला जो हत्याकांड था उसकी उसकी जांच करने के लिए एक तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था 1919 में, और जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभार कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए तो सरकार की ब्रिटिश सरकार उसके द्वारा कौन सी कमेटी गठित की गई, और जो कांग्रेस द्वारा कौन सी कमेटी गठित की गई। तो 1919 में तहकीकात कमेटी गठित की गई थी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। तो यहाँ तक आपके जो है तीन टॉपिक चार टॉपिक जो है और जो है रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड खत्म होता है। लेकिन रोलट एक्ट के तहत जो है ये आंदोलन होता है, तो यहाँ ये रोलट एक्ट जो है लागू नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आंदोलन इसके विरुद्ध होता है और इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, तो ये आंदोलन जो है ये जो कानून जो सरकार लेके आ रही होती है ये लागू नहीं होता है। दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर ये बता दूं कि जो माइकल ओ डायर था, जो वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, जिसने हत्या के लिए एक तरीके से आदेश दिया था, तो उसको बाद में 1940 में उधम सिंह का नाम आपने सुना होगा, या नहीं सुना तो आप नोट कर लीजिएगा, उधम सिंह द्वारा 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या की जाती है। तो एक तरीके से उनके द्वारा जलियांवाला बाग में जो हत्या की गई थी उसका बदला 1940 में उन्होंने इंग्लैंड में जाके माइकल ओ डायर की हत्या कर उसका बदला उनके द्वारा लिया गया। तो इस संबंध में ये टॉपिक आपका यहाँ खत्म होते हैं। तो इस संबंध में अगर कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। सर, सर ये जो रोलट एक्ट और ये बाग है, इनकी वजह से सरकार का कौन सा कानून पारित नहीं हो पाया? ये रोलट एक्ट जो लाई थी ना सरकार, हाँ सर, हाँ, जो आंदोलन जो रोलट एक्ट के लिए जो लाए थी, तो जो रोलट एक्ट को लाने में तो ये आंदोलन असफल रहा, मतलब रोलट एक्ट को तो ये रोक नहीं पाई, लेकिन सरकार ने इस रोलट एक्ट को जो है लागू नहीं किया कभी। कानून तो बन गया था, रोलट एक्ट के लिए जो आंदोलन जो चल रहा था, गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था,
या ये कहें जितने भी जो हम जितने भी स्वतंत्रता जो सेनानी हमारे जो इस जो कानून को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार मानी नहीं थी। कानून तो उसके द्वारा बना दिया गया, पास भी कर दिया गया, लेकिन इस कानून को उनके द्वारा लागू नहीं किया गया। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी सर, आप जो सर मेरा एक क्वेश्चन है जो उस दिन एक पेपर उस पेपर में आया था, ये भी आएगा तो आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ आप थोड़ा समझ लीजिए कि जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो कांग्रेस का में जो वर्चस्व होता है, जो प्रारंभिक जो नेता होते हैं वो उदारवादी प्रवृत्ति के होते हैं। उनका ये मानना होता है कि चूंकि अभी हम जो एक राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में और भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि ब्रिटिश सरकार बहुत मजबूत है, मतलब वो सैन्य ताकत बहुत उसकी मजबूत है, तो उससे जो है वो हम डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो उनका मानना था कि भारत में जो भी विकास किया जाएगा, चाहे वो सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, वो एक संवैधानिक तरीके से ही किया जाए, मतलब किसी लड़ाई झगड़े के माध्यम, वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते थे, वो उदारवादी प्रवृत्ति, इसी वजह से उनको कहा गया। तो संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से वो प्रयास करना चाह रहे थे, तो उनका उद्देश्य यही था कि संवैधानिक माध्यम से, मतलब वो अपने वो पत्र भेजते थे, संगोष्ठियों का आयोजन करते थे, और जो है समय समय पर, जैसे हम बात करें दादा भाई नेहरू जी की बात करें, तो उनके द्वारा ब्रिटेन में भी जाकर वहां की जो ब्रिटेन की जनता थी उनको ये बताया गया कि भारत में किस तरह की समस्या है, तो ब्रिटेन में भी उनको एक तरीके से उनके द्वारा प्रचार किया गया भारत की समस्याओं के प्रति। तो उनका जो उद्देश्य यही होता था कि संवैधानिक तरीके के माध्यम से जो सरकार है उससे रियायतें ली जाएं, जैसे अगर हम बात करें जो विधान परिषदें थी उसमें जो सीटें बढ़ाई जाएं जिससे भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। दूसरा, हमने बात करी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए, सिविल सेवा में भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व बढ़ाया, तो जो जो शासन जो प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसमें वो अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी चाह रहे थे स्टार्टिंग में। तो इनकी जो मांगे होती थी बहुत जो साधारण उनकी मांगे होती थी, और ये अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व की बात करते थे, मतलब एक तरीके से डायरेक्ट जो ब्रिटिश जो सरकार थी उससे ये डायरेक्ट जो है पंगा नहीं लेना चाह रहे थे एक तरीके से। और इनका मानना ये था कि हम अभी भारत जो है एक तरीके से राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया है, और जनता जो है इतनी शिक्षित नहीं है, इतनी प्रशिक्षित नहीं है कि वो जो है और इस जो आंदोलन जो है उसको पूरे भारत स्तर पर उसको फैलाया जाए, तो ये अपने एक संवैधानिक स्तर पर काम कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत ये दूसरा भी धड़ था, या कहें दूसरा भी भाग था जो उग्रवादी था। उनका ये मानना था कि कांग्रेस जो है 20 साल के अंदर 1985 से लेकर वो 1885 से लेकर कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक, मतलब 20 साल में कांग्रेस ने जो है काफी विकास कर लिया है और लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित कर लिया। तो इनका ये मानना था कि जनता जो है वो काफी प्रशिक्षित हो गई है, उसके अंदर राष्ट्रीय भावनी भावना का विकास हो गया है, अब हमको जो संवैधानिक तरीके हैं जिसमें हम लेटर भेजते हैं, मतलब पत्राचार करते हैं, और जो है इस तरीके से अनुस्मारक पत्र भेजते हैं, दूसरा जो है हम हस्ताक्षर के जो पत्र भेजते हैं कि साहब हमारी ये मांगे मान लो, बोले आप भिक्षावृत्ति मत करो, मतलब मांगो मत, अब अपने अधिकारों को आप प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। तो उनमें जो नेता थे उग्रवादी प्रवृत्ति के थे, वो डायरेक्ट जो है एक्शन चाहते थे। उनमें जैसे लाल बाल पाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय जो पंजाब के थे, दूसरा जो है बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और लाल पाल मतलब बिपिन चंद्र पॉल। तो इनको जो है ये जो तीन व्यक्ति थे उनको उग्रवादी एक तरीके से जो उग्र विचारधारा थी उसका नेतृत्व करता माना जाता है। तो बेसिकली जो विभाजन कांग्रेस में 1905 का जो आंदोलन जो होता है, जो स्वदेशी आंदोलन होता है, तो प्रारंभिक स्तर पर देखा जाए जो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व होता है वो उदारवादियों के हाथ में ही होता है, वो आंदोलन को जो है बंगाल के स्तर तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो उदारवादियों के जो नेता थे वो फिरोजशाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। प्रारंभिक स्तर पर हम देखें जो 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 स्वदेशी आंदोलन था उसका नेतृत्व फिरोजशाह मेहता जो उदारवादी जो के जो नेता थे उनके हाथ में, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं के हाथ में था। लेकिन बाद में जो आंदोलन होता है धीरे धीरे करके वो शिफ्ट हो जाता है, उग्रवादी जो तो एक तरीके से जो नेता होते हैं लाल बाल पाल, जिसमें अरविंद घोष
के हाथ में ये नेतृत्व चला जाता है। तो विचारधारात्मक इनके बीच में एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो उदारवादी लोग चाहते हैं कि जो आंदोलन है उसको सीमित रखा जाए और उस आंदोलन में एक तरीके से जो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है उसकी भी बात नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि सरकार के साथ असहयोग नहीं, सहयोग ही किया जाए। दूसरा, जो उग्रवादी जो नेता थे लालवाल पाल थे, उनका उनका कहना था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ जो कर ना देने का भी आंदोलन चलाया जाए कि हम सरकार को कर नहीं देंगे। जो जो रेवेन्यू जो दिया जाता था वो हर तरीके के कर देने के लिए उसका विरोध किया साथ में ही। तो इस तरह की कुछ विचारधारात्मक संघर्ष जो है कांग्रेस के अंदर उत्पन्न हो गए और सरकार द्वारा भी इसका फायदा उठाया गया और फूट डालो राज करो की नीति उनके द्वारा अपनाई गई और 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो जाता है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि आपके यहाँ इस टॉपिक को एक तरीके से मतलब कंटिन्यूटी में नहीं रखा गया, तो ये प्रक्रिया अलग अलग एक तरीके से हम इतिहास देखें तो इतिहास जो है वो कारण कार्य संबंधों पर डिपेंड करता है कि हर जो घटना है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कांग्रेस की स्थापना के पीछे, हम देखें 1950 साल का करीबन हमारा इतिहास रहा है, ऐसी जो स्वदेशी आंदोलन है उसके पीछे भी जो है 20-25 साल का जब तब से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है, राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, तो उसका जो है ऐसे ही रोलर एक्ट है उसके पीछे भी जो आतंकवादी जो गतिविधियां क्रांतिकारी जो गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं वो रहती हैं। तो ये एक इतिहास जो एक एक सतत प्रक्रिया के रूप में है। तो एक घटना को समझे बिना आप दूसरी घटना को नहीं समझ सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी घटनाएं जो है वो एक दूसरे से लिंक हो जाए और आपको समझ में आ जाए। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए आप अभी कुछ रेस्ट करिए आप लोग, उसके बाद